चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू 200 रूट 2 साइन 100 टी इज कनेक्टेड टू अ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर थ्रू एन एसी अमीटर। एसी अमीटर आरएमएस करंट को मेजर करता है, ध्यान रखना एसी अमीटर जो होता है आरएमएस करंट को मेजर करता है, ये पॉइंट याद रखना। एसी अमीटर और डीसी अमीटर किसको मेजर करता है, एवरेज करंट को। डीसी अमीटर, ये दो पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी बोल दिया है एसी अमीटर है, तो एसी अमीटर तो ऑब्वियस बात है आरएमएस करंट को मेजर करेगा, यानी हमको रीडिंग निकालने को कह रहा है इस अमीटर की, तो एसी अमीटर है इसलिए ऑब्वियस बात है कि एवरेज करंट की वैल्यू को ये मेजर, सॉरी आरएमएस करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। आरएमएस करंट होती है आई नॉट बाई रूट टू और एवरेज करंट होती है 2/π इंटू आई नॉट, ठीक है, ये होती है, करेक्ट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं। तो हमको ये निकालना है, तो ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू 200 रूट 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से इसको कंपेयर कर दूं तो वी नॉट इज इक्वल टू 200 रूट 2 हो जाएगा, और वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट बाई रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 200 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट, ठीक है। अब आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है, तो उसका अपोजिशन टू करंट एक्सी होगा, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ रख दें। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन 1/C ओमेगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। सो वी आर एम एस इंटू सी इंटू ओमेगा, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, ये 200, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड मतलब 10^-6 फैरड, सी की वैल्यू आ गई 10^-6 फैरड, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π न्यू, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वैल्यू पूरी दी हुई है, देखो ओमेगा टी की वैल्यू ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 100t, तो टी से टी कटा, ओमेगा की वैल्यू आ गई 100, तो ये 100 रख दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा 0.04 2×10^-2, ठीक है, आई आर एम एस आएगा 2×10^-2। अब ये एम्पियर में है क्योंकि बाकी यूनिट तो हमने सही इसी तरह निकाली है, तो एम्पियर में है तो मिली एम्पियर में कितना होगा 2×10^-2×10^+3 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आएगी, आई आर एम एस इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।